नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित फार्मासिस्ट में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एमलॉक सेलेस सिरप के बारे में। जानेंगे दोस्तों इसके यूज के बारे में कि किन किन बीमारी में इसका यूज किया जाता है, और दोस्तों जानेंगे इसके प्राइस रेट के बारे में, और जानेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में कि किन किन इन्ग्रीडियंट से मिलाकर ये सिरप बनाई जाती है। और दोस्तों बात करेंगे इस सिरप की डोज के बारे में और साइड इफेक्ट के बारे में और कुछ सावधानियों के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने तो मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों बात करें एमलॉक सेलेस सिरप के यूज के बारे में, तो दोस्तों इसका यूज़ खांसी में किया जाता है और बलगम में किया जाता है और सर्दी में किया जाता है और दमा जैसी समस्याओं में भी इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों इन सभी समस्याओं में सिरप का यूज़ करते हैं। और दोस्तों बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में, तो दोस्तों ये इसमें तीन इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, लिबोसॉल विटामिन सल्फेट और एमलॉक्सिल हाइड्रोक्लोराइड और गिफेंसिन प्रेजेंट होता है। और दोस्तों बात करें एमलॉक सेलेस सिरप के डोज के बारे में, तो दोस्तों इसकी डोज एक एडल्ट पर्सन दिन में 2 बार 10 ml सिरप ये ले सकता है। और दोस्तों ये सिरप बच्चों को देने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। और दोस्तों बात करें इसके प्राइस रेट के बारे में, तो इसका दोस्तों प्राइस रेट मात्र 95 रुपये है, जो कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर ले सकते हैं। और बात करें एमलॉक सेलेस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट मतली, उल्टी होना, सरदर्द होना, चक्कर आना, ये सभी इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट हैं। दोस्तों अगर आप इस सिरप का सेवन करते हैं और आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें और इस सिरप का सेवन करना बंद कर दें। और दोस्तों बात करें एमलॉक सेलेस सिरप की सावधानियों के बारे में, तो दोस्तों इस सिरप का सेवन करने से पहले आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है, जैसे कि गर्भावस्था में इस सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए, और दोस्तों लीवर रोग में इस सिरप का यूज़ नहीं करना है। दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप एमलॉक सेलेस सिरप के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग का लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप मेरे ब्लॉग पोस्ट पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर आपको एमलॉक सेलेस सिरप के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों